भव्य सुनवाई तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर का इस्तफसार, क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया की अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया की अटॉर्नी जनरल किधर है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए इस्तफसार, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। वकील फरोह नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते।